गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ये 36 सेशन मेरा है और एडिटोरियल सेशन नंबर 36 के साथ मैं संतोष श्रीवास्तव आपके सामने प्रेजेंट हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें हैं जो आज हमको पढ़नी हैं। ठीक है, एक मिनट बस, ये है आपके सामने। सबसे पहले कोट दैट मोटिवेट्स यू, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। कितना बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, देखें, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट यानी आपको महान नहीं होना है टू स्टार्ट करने के लिए, यानी शुरुआत करने के लिए। यानी अगर आपको कोई शुरुआत करनी है तो उसके लिए महान होना जरूरी नहीं है, बट लेकिन यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। लेकिन अगर आपको महान बनना है तो आपको शुरुआत करना क्या है आपके लिए जरूरी, यानी शुरुआत करने के लिए महान बनना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर महान बनना है तो शुरुआत करनी जरूरी है बच्चों। ठीक है, कल का मेरा जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा जिसका रिस्पांस आपने बहुत पॉजिटिव नहीं दिया है बच्चों, आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो फिर से मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है। कल की मेरी वीडियो जरूर देखें और उसका पॉजिटिव रिस्पांस दें ताकि मुझे लगे कि आप मेरे से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और मुझे लगे कि आप चाहते हैं अपने टीचर को सपोर्ट करना। ठीक है, तो वो वीडियो मैंने क्यों डाली, क्योंकि मैं भी महान नहीं हूँ और महान होना जरूरी नहीं शुरुआत करने के लिए, लेकिन मुझे अगर महान बनना है तो मुझे शुरुआत करनी ही होगी। मैं बैक हूँ उससे बेहतर है मैं आगे बढ़ूँ और शुरुआत करूँ, और अगर मैं शुरुआत करूँगा तभी मैं कुछ बेहतर कर पाऊँगा। तो वैसे ही आप भी बच्चों, अगर कोई आपके लिए कुछ करना चाहता है तो आप उसे सपोर्ट करें। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा उस वीडियो को फिर से देखें, आप जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो देखें और जिन्होंने देखा हो फिर से देखें और पॉजिटिव रिस्पांस देने की कोशिश करें, जैसा कुछ एक बच्चियों ने और कुछ एक बच्चों ने किया, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने अभी उसे इग्नोर किया है मैसेज को, उस मैसेज पे ध्यान दें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये सिनोनिम्स टेस्ट हैं आपके। पहला वर्ड है आपका फैसिलिटेट, जैसे ही ए टी ई आपने देखा तुरंत समझ गए कि वर्ब है, नॉर्मली वर्ब है। फैसिलिटेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट मीन्स होता है किसी चीज़ को आसान बना देना, क्या बना देना, आसान बना देना, इजी कर देना, किसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर देना। तो क्या हो जाएगा फैसिलिटेट का, ईज कर देना, मीन्स क्या कर देना, आसान बना देना। जब कोई किसी चीज़ को फैसिलिटेट करता है तो उसका जो प्रोसेस होता है उसे आसान बना देता है ताकि उसके जो पेंच हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे बचा जा सके। इसी फैसिलिटेट से ही क्या बना होगा, फैसिलिटी बना होगा, सुविधा, सुगमता। इमर्ज आप जानते हैं, उभर करके आना, निकल करके आना, कम आउट करना। कॉर्पोरेट जानते हैं, कॉर्पोरेट घराने होते हैं आपके। एग्रीगेट क्या होता है, इकट्ठा करना, और ईज हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी को किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराना, यानी उसे कहीं कहीं कहना कि यही चीज़ इसका कारण है, दिस इज एट्रीब्यूट। तो इस सेंस में एट्रीब्यूट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एस्क्राइब, ठहराना, जिम्मेदार ठहराना। रिट्रैक्ट क्या होता है, जब आप अपने ही कहे गए कथन वगैरह को वापस ले लेते हैं तो आप रिट्रैक्ट करते हैं। एंजाइम आप जानते हैं, पाचक को कहते हैं। इन्वॉल्व भी आप जानते हैं, किसी चीज में इन्वॉल्व होना, मीन्स उसमें इंगेज होना, शामिल होना। एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज कल ही आपने पढ़ा था, एक्सपर्टीज विशेषज्ञता, जब आपके पास किसी चीज का नॉलेज है तो आपके पास एक्सपर्टीज है, आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आपके पास एक प्रोफिशिएंसी है, क्या है, एक प्रोफिशिएंसी। तो एक्सपर्टीज का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, प्रोफिशिएंसी, विशेषज्ञता, निपुणता। शॉर्न क्या है, बताया था मैंने एक दिन आपको, ये वर्ड है आपका शीयर, है ना। शीयर क्या होता है, काट कर अलग कर देना, उसी के थर्ड फॉर्म है शॉर्न, अर्थात अलग किया हुआ, जो मुक्त है, कट करके अलग हो चुका है, वो शॉर्न है आपका। ऑर्गेनाइज क्या होता है, किसी चीज को आयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना। और म्यूनिफिसेंट, ई एन टी है आपका, म्यूनिफिसेंट मीन्स
उदार, कोई दिल से बड़ा है, जेनरस होता है तो मैनिफिसेंट है। जैसे वो एक बहुत मैनिफिसेंट पर्सन है, मीन्स क्या है, बहुत उदार दानशील व्यक्ति है वो। नेक्स्ट वर्ड है एस्पर्शन। एस्पर्शन मीन्स क्या होता है, आक्षेप, निंदा। जब हम किसी पर एस्पर्शन डालते हैं मीन्स उसकी निंदा करते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो एस्पर्शन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, विलिफिकेशन। मीन्स क्या हो जाएगा, निंदा, आक्षेप। एक्सपीरियंस्ड आप जानते हैं, एस्टिमेशन भी जानते हैं, अनुमान को कहते हैं, और पोटेंशियली जिस चीज के अंदर बहुत एक क्षमता हो उस सेंस में या बड़े के सेंस में आप यूज करते हैं। अपेक क्या होता है, जो चीज क्लियर ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, वो अपेक होता है, मीन्स अस्पष्ट, अपारदर्शी। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट, धुंधला। जो अस्पष्ट नहीं होता है वो ऑब्स्क्योर होता है, मीन्स अपेक होता है, अनक्लियर होता है। अमेंडमेंट एक सुधार को, संशोधन को आप कहते हैं। इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता को कहते हैं, प्रभाव को, और कॉन्फिडेंशियली विश्वासपूर्वक, विश्वास के साथ। बैकलैश क्या होती है, जब आपके किसी सामाजिक या राजनीतिक कार्य का कोई प्रतिक्रिया होती है, जनरली नेगेटिव प्रतिक्रिया होती है, तो वो क्या होता है, बैकलैश होता है। तो बैकलैश का क्या हो जाएगा, काउंटर ब्लास्ट, कोई प्रतिक्रिया। इन्फ्लुएंस आप जानते हैं, प्रभाव को कहते हैं। अचीव, प्राप्त करना, डिलीवर, सौंपना या बांटना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रैक्ट। अभी आपने पीछे पढ़ा था रिट्रैक्ट, कल आपने कुछ कहा और आज आपने उसे वापस ले लिया, कहा कि नहीं नहीं ये गलत था, तो आप रिट्रैक्ट कर गए आप, ठीक है। तो रिट्रैक्ट का क्या हो जाएगा, डिनाई। क्या हो जाएगा, डिनाई, मुकर जाना, अपनी ही बात से मुकर जाना, डिनाई करना होता है। साइट क्या होता है, किसी चीज का उदाहरण देना, ध्यान रखिएगा ये साइट भी आप जानते हैं, साइट दृश्य होता है, और ये साइट भी आप जानते हैं, साइट कोई स्थान, निर्माण कार्य का स्थान। स्वर्ल क्या होता है, फैलना, प्रसारित होना, और पीयर रिव्यू, मैंने कल समझाया था आपको, जब किसी पेपर वगैरह में कोई आर्टिकल निकलता है, कोई लेख निकलता है, तो उसके समकक्ष, उसके बारे में जो लिखा जाता है, उसका जो मूल्यांकन किया जाता है, उसका जो पुनर्समीक्षा की जाती है, वो पीयर रिव्यू होता है आपका, ठीक है। साइट यहां पे है, साइट उदाहरण देना, तो क्या हो जाएगा, मेंशन करना। डिप्लॉय क्या होता है, जब सेना या पुलिस वगैरह की तैनाती की जाती है तो उन्हें डिप्लॉय किया जाता है। ट्रिगर एक तरह शुरुआत करने के सेंस में होता है, और टैली वर्ब के रूप में मिलान करना, और नाउन के रूप में वो आंकड़े होते हैं। इमर्ज पढ़ा है आपने, इमर्ज उभर करके आना, बाहर निकलना, तो क्या हो जाएगा, कम आउट हो जाएगा। अब प्रेज क्या होता है, किसी का मूल्यांकन करना, किसी चीज का, किसी चीज की कितनी कीमत हो सकती है, ये अप्रेज करना होता है, और इसी से आपका अप्रेजल नाउन हो गया, मूल्यांकन हो जाता है। डिसइंटरेस्ट, जब आप किसी की तरफ से ना हो तो आप डिसइंटरेस्टेड होते हैं। और ट्रायल आप जानते हैं, परीक्षण को कहते हैं, जो कोर्ट में चलता है मुकदमा, वो ट्रायल होता है, परीक्षण, और किसी दवा वगैरह पे जो परीक्षण होता है वो भी ट्रायल होता है, ठीक है। और लास्ट वर्ड है इम्ब्रोग्लियो। जब आप किसी उलझन में फंस जाएं, किसी कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएं, किसी क्रिटिकल कंडीशन में उलझ के रह जाएं, तो वो आपके लिए एक इम्ब्रोग्लियो होता है, एक उलझन की अवस्था होती है, परेशानी की अवस्था होती है। तो इम्ब्रोग्लियो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन। हाइंड साइट क्या होता है, पश्चिम दृष्टि, पृष्ठभूमि। असेसमेंट याद है, असेस से बना है, आकलन किस चीज का, मूल्यांकन। और कंज्यूमिंग, कंज्यूम से बना है, उपभोग करना, किसी चीज में कितनी चीज को लग रही है वो कंज्यूम करती है। जैसे कोई कार्य करने में आप ज्यादा समय ले रहे हैं तो आप बहुत अधिक टाइम कंज्यूम कर रहे हैं आप, ठीक है। ये मैंने जो सफिक्सेस पढ़ाए थे उसके बाद मैंने आपको नाउन सफिक्सेस, एडजेक्टिव सफिक्सेस, वर्ब सफिक्सेस और एडवर्ब सफिक्सेस, और फिर मैंने कल उन पर मंडे स्पेशल में आपको सारे वर्ड्स जो दिए थे पहचानने के लिए, वो सारा आप पढ़ चुके हैं बच्चों।
जो इससे पहले के वीडियोस हैं उन्हें जरूर देख लें, आपके काम आएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं प्रिपेयर है तो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे सारे जो हैं आपके पीडीएफ्स होते हैं, वहां से जाके आप प्रिपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रूट्स और प्रीफिक्सेस हैं, दोनों मिक्स हैं, मैं दोनों मिला करके आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पहला वर्ड है एंटी, ए एन टी ई। अगर किसी शब्द में आप एंटी शुरू में देखें तो आप तुरंत समझ जाएं इसका मतलब पूर्व, पहले से इसका मतलब है। जैसे एंटी रूम अर्थात मुख्य कमरे से जो पहले का कमरा होता है वो एंटी रूम होता है। एंटी डेट यानी उस डेट से पहले के डेट जो है वो एंटी डेट है। एंटी शेडेंट यानी उससे जो पहले का अवयव या तत्व है या शब्द है वो एंटी शेडेंट होता है। ए एन टी आई अगर एंटी है तो इसके मीन्स अगेंस्ट होता है, विरोधी। अक्सर आप ये यूज भी करते हैं, वो मेरा एंटी है, मीन्स क्या है, मेरा विरोधी है, विपरीत है। तो एंटी सोशल यानी जो समाज के विपरीत हो, समाज के खिलाफ हो। एंटी एयरक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट के खिलाफ हो। एंटी बायोटिक जो बायोटिक के खिलाफ हो। एंटी डोट जो एक डोट के खिलाफ हो यानी किसी मीठी चीज के खिलाफ हो, अर्थात जो जहरीली हो, विषनाशक हो, वो एंटीडोट होती है। और आप जानते हैं ये जहर नाशक ही होती है और जहर को आप जानते हैं जहर ही काटता है। अगर कहीं CIR सर्कम लगा है तुरंत समझ जाए इसका मतलब अराउंड यानी चारों तरफ से होता है, ठीक है। तो सर्कम स्टांस यानी चारों तरफ की परिस्थितियां। सर्कम वेंट यानी चारों तरफ घुमा करके बात करना, इधर उधर बहलाना। सर्कम स्पेक्ट चारों तरफ देखने वाला यानी वो व्यक्ति जो अपने चारों तरफ सावधान होकर के देखता है, सतर्क रहता है। सर्कम नेविगेट यानी जो चारों तरफ की यात्रा करता है, हर तरफ की उस सर्कम नेविगेट करता है। तो कहीं भी सर्कम लगा है तुरंत समझ जाए चारों तरफ से उसका मतलब होगा। कहीं भी FORE लगा है, फोर मीन्स पहले होता है, ठीक है। इसी से बिफोर बनाए बच्चों, देखें बी और फोर, फोर मीन्स आगे पहले और बी मीन्स होना। तो जब आप किसी के बिफोर हैं उसके पहले यानी उसके सामने हैं आप। फोर सी यानी किसी चीज को पहले से ही देख लेना, ताड़ लेना। फोर वर्ड यानी जो कहना है उससे पहले ही आपने जो कहा है वो फोर वर्ड है, इसे प्रीफेस के नाम से भी जानते हैं, प्राक्कथन हिंदी में कहते हैं। फोर कास्ट जो होने वाला है उसको पहले ही कह देना। फोर टेल जो होने वाला है पहले ही बता देना। फोर मोस्ट जो सबसे पहले हो वो फोर मोस्ट है आपका, सर्वप्रथम जिसको आप कहते हैं। किसी शब्द के शुरू में अगर मिस लगा है, MIS, तो मिस क्या होता है, गलत तरीके से, इससे इसको प्रस्तुत करता है रांगली के सेंस में। जैसे मिस इंटरप्रेट यानी गलत तरीके से व्याख्या करना, मिस फायर गलत तरीके से फायर करना, मिस टेक किसी चीज को गलत रूप में लेना, मिस अंडरस्टैंड किसी चीज को गलत तरीके से समझना, मिस गाइड किसी को गलत तरीके से गाइड करना, उसका पथ प्रदर्शन करना, ठीक है। तो ये रूट्स और प्रीफिक्सेस बच्चों, प्रीफिक्सेस आप समझते हैं ना, जैसे आप किसी शब्द के जो बाद में जोड़ते हैं वो क्या होता है, याद है आपको, सफिक्स। और किसी शब्द के जो पहले जोड़ते हैं वो क्या होता है आपका, याद है आपको, वो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो ये आपके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस होते हैं जो आप चाहें तो धीरे धीरे तैयार कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और देखते हैं उसमें क्या है हमारे पास। नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हो बच्चों आप, आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी वर्ड इन द सेंटेंस एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जो सेंटेंस मैंने दिया है आप बस इतना करिएगा कि एक एक शब्द को आप आइडेंटिफाई करिएगा कि वो सेंटेंस का जो वर्ड है कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। जैसे एट यहाँ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन आपका है। दैट स्टेज में स्टेज क्या हो जाएगा, AGE नाउन है। अगर ये नाउन है तो दैट क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव की तरह हो जाएगा। फ्यू प्राइवेट हॉस्पिटल्स सब्जेक्ट के रूप में है, तो हॉस्पिटल्स अगर नाउन है तो प्राइवेट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो फ्यू क्या हो जाएगा, एक डिटरमिनर हो जाएगा। वर्ब आप जानते हैं वर्ब है, इन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। अगर इन प्रीपोजिशन है तो इन द फ्रंट लाइन, यहाँ तक है ना, तो लाइन क्या है, नाउन हो जाएगा। नाउन के पहले फ्रंट क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव से पहले द क्या हो जाएगा आपका, डिटरमिनर हो जाएगा। ऑफ द बैटल में ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो द बैटल में द क्या हो जाएगा आपका,
डिटर्मिनर और बैटल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाए। ठीक है, ऐसे कोशिश करें बच्चों, आप अपने अपने से दूसरा सेंटेंस करिएगा, और अगर आपकी दिक्कतें हैं कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, सर ये शब्द आपको समझ नहीं आया। आपको अपने से जो अपनी मेहनत करेंगे आपकी अपनी पूंजी होगी। ठीक है, जहां भी दिक्कत हो मेरे से क्या करें आप, शेयर करें आप। ठीक है, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये मैंने आज के स्पेशल यूज में आपको दो शब्द दिए, एक नेवरदलेस और एक नॉनदलेस। ये जो नेवरदलेस या नॉनदलेस हैं, दोनों एक ही चीजें हैं और दोनों ही केवल एडवर्ब के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में? एडवर्ब के रूप में। ठीक है, और इनका जो सेंस होता है नॉनदलेस या नेवरदलेस का, वो इन स्पाइट ऑफ दैट होता, मतलब इसके बावजूद के सेंस में आप इसे यूज करते हैं। जैसे इट वॉज हर चाइल्डिश बट नेवरदलेस रियल डिलाइट। ये डिलाइट जो है ना, ये नाउन है, और इससे दो आपने एडजेक्टिव्स जोड़े, रियल और चाइल्डिश। तो इट वॉज हर चाइल्डिश बट रियल डिलाइट, यानी यह उसका बच्चों जैसा लेकिन वास्तविक खुशी थी उसकी, बट नॉनदलेस इसके बावजूद। अब कैसे देखे पढ़े, इट वॉज हर चाइल्डिश, यह उसका बच्चों जैसा लेकिन फिर भी, यानी लेकिन इसके बावजूद रियल डिलाइट, कैसी खुशी थी, वास्तविक खुशी थी। यहां नेवरदलेस के बावजूद, इट वॉज अ प्रेडिक्टेबल, यानी यह एक प्रेडिक्टेबल यानी अनुमानित था, पता था इसके बारे में, बट लेकिन नेवरदलेस लेकिन इसके बावजूद फनी स्टोरी, लेकिन इसके बावजूद कैसी कहानी थी, वो एक मनोरंजक कहानी थी। तो यहां नेवरदलेस इसके बावजूद, इट वॉज अ स्मॉलर बट नॉनदलेस इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रोग्राम, यानी यह एक छोटा ही लेकिन इसके बावजूद, यानी छोटा होने के बावजूद इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रोग्राम था। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण शोध कार्यक्रम था। समटाइम्स, कभी कभी, ये खुद भी एक एडवर्ब है, कभी कभी यू कैन बी अ रियल जर्क, आप वास्तव में एक असफल व्यक्ति हो सकते हैं, बट लेकिन आई लाइक यू नॉनदलेस, मैं आपको पसंद करता हूं इसके बावजूद, या बट नॉनदलेस आई लाइक यू, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको क्या करता हूं, पसंद करता हूं। कभी भी आप क्या जाने, अगर नेवरदलेस है या नॉनदलेस है, तो एक एडवर्ब के रूप में कार्य करता है, और नॉनदलेस या नेवरदलेस का जो अर्थ होता है वो इन स्पाइट ऑफ दैट, अर्थात इसके या उसके बावजूद के अर्थ में यूज करेगा। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे बट का आपने पढ़ा था, येट आपने पढ़ा था, अब ये नेवरदलेस और नॉनदलेस आपके क्विवर में जुड़ जाएंगे, तर्कश के तीर के रूप में यूज करिएगा। ये एक नया सेक्शन जो मैंने पिछले दिनों शुरू किया, ये मेरा टारगेट बच्चों, आपको ट्रांसलेशन कराना तो है ही, सीखें आप, आपके काम आएगा, लेकिन उससे ज्यादा ये जो सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, मेरा मकसद क्या है, करेक्ट प्रीपोजिशंस का यूज, कि आप ये जाने कहां पे कौन सी वर्ब के साथ, कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आपको यूज करना है। जैसे एक मैं आपको बता रहा हूं, हमने उन्हें एक पत्र भेजा है। ठीक है, आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे, पहला वी हैव सेंट देम अ लेटर, ये हो सकता है, बट आप इसे ऑब्जेक्ट्स को इंटरचेंज करके डेटिव शिफ्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, कैसे, ऐसे We have sent, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर लें, sent a letter to him हो जाएगा, ऐसे भी, यानी जैसे आपने उल्टा किया तो आप कौन सा प्रीपोजिशन आपने यूज किया, to। अभी चारों वाक्य अपने से बाकी आप करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम के चैनल पे मैंने पिछली बार भी ट्रांसलेशंस करके आपको दिए थे पांचों के, मैं फिर वहां पे डाल दूंगा, और देखिएगा प्रीपोजिशंस का कैसे प्रॉपर यूज हुआ, जरूर करिएगा, इससे आपकी बहुत बड़ी समस्याओं में से एक प्रीपोजिशन की जो समस्या है वो एक खास हद तक दूर हो सकती है। टेलीग्राम पे इसके आंसर जरूर देख लीजिएगा। ये वोकैब का सेक्शन है आपके बच्चों, पहला वर्ड है विजिलेंट, विजिलेंट एएनटी यानी एडजेक्टिव के रूप में आपका है, विजिलेंट आप पहले भी पढ़े हैं, कोई सतर्क है, सावधान है, तो क्या है वो, विजिलेंट है। ठीक है, यानी वो वॉचफुल है, ऑब्जर्वेंट है, गिमलेट आइड है, ईगल आइड है, आर्गुश आइड है, और विजिलेंट है, अर्थात एक तरह से वो ये है बच्चों, वो अलर्ट है, अर्थात वो क्या है,
कॉसस है, अर्थात वो क्या है, वैरी है, मीन्स सतर्क है, सावधान है वो। नेक्स्ट वर्ड है बॉम्ब, वर्ब के रूप में है आपका ये, और जैसे आपने बॉम्ब देखा ना, तुरंत समझ जाएं ये गोली वर्षा से संबंधित है, लेकिन गोली वर्षा केवल गोली या बारूद के सेंस में नहीं होता है, बहुत बार आप शब्दों के द्वारा भी गोली बौछार कर देते हैं, अर्थात किसी की बहुत अधिक आलोचना करना, अर्थात बॉम्बर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, प्रश्नों या आलोचना की बौछार करना। जब आप किसी पर प्रश्नों की आलोचना की बौछार कर देते हो तो आप क्या करते हैं, बॉम्बर्ड करते हैं वर्ब के रूप में, ठीक है, आप उसे उन प्रश्नों से इनंडेट कर देते हैं, ढक देते हैं, बिल्कुल सराबोर कर देते हैं, स्वयंप कर देते हैं, बिल्कुल डुबा देते हैं, फ्लड कर देते हैं, डुबा देते हैं, अर्थात बहुत अधिक निंदा या आलोचना करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो आप बॉम्बर्ड करते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट, यहां पर देखिए ए एन टी है, यानी एडजेक्टिव के रूप में है, तो एग्जॉर्बिटेंट मीन्स कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो, यानी एक एडिक्वेट होता है, एनफ होता है, लेकिन जो उससे ज्यादा हो जाए वो क्या हो जाए है? क्या होता है बच्चों को, एक्सेस हो जाता है, और जब कोई एक्सेस हो जाता है कोई चीज तब वो एग्जॉर्बिटेंट हो जाता है, मीन्स अत्यधिक हो जाता है, यानी वो एक्सट्रॉशनेट है, वो एक्सेसिव है, वो एक्स्ट्रावेगेंट है, यानी जरूरत से क्या है वो ज्यादा है, तो एग्जॉर्बिटेंट जरूरत से ज्यादा, अत्यधिक। नेक्स्ट वर्ड है वारंट, यहां जो लिखा है बच्चों उस पर अगर ध्यान कम दे करके आप ये समझें, वर्ब के रूप में वारंट मीन्स होता है किसी चीज की जरूरत बना देना, मीन्स किसी चीज की आवश्यकता महसूस करा देना, ये वारंट करना होता है। एक वारंट तो आप जानते ही हैं, लेकिन यहां वारंट क्या है, आपको किसी कोई चीज आपको आवश्यक लगे ऐसा कर देना, अर्थात उसे जस्टिफाई करना कि हाँ ये जरूरी है आपके लिए, उसे विंडिकेट करना जरूरी है आपके लिए, कॉल फॉर करना उसकी मांग करना, सैंक्शन करना उसका अनुमोदन कर देना, वैलिडेट करना उसे प्रमाणित कर देना कि वो सही है, आवश्यक है वो, तो वारंट यानी कोई ऐसी ऐसा कार्य करना कि वो चीज वो बात आपको क्या लगे, आवश्यक लगे, सही लगे वो, ठीक है। शार्न, मैंने बताया था पहले भी आपको, शार्न सीयर से बना है ना, ये शीयर के थर्ड फॉर्म क्या होती है, शार्न, बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे बियर के थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉर्न, वैसे ही शीयर के थर्ड फॉर्म शार्न, शीयर क्या होता है, काटकर अलग कर देना, तो उसी का शार्न है, मीन छीना हुआ या मुक्त, अर्थात जो अलग कर दिया गया हो वो शार्न है आपका, ठीक है। को ऑप्ट, को ऑप्ट, ऑप्ट मीन्स चुनाव करना, चुनना होता है, को सह साथ साथ, जैसे हमारी कोई मीटिंग हो रही है और उसमें कुछ और लोगों को भी बुलाया जा रहा है, कह रहा है इसमें आपकी भी आवश्यकता है, आपको भी इसमें सेलेक्ट किया जा रहा है, तो नहीं क्या किया जा रहा है, को ऑप्ट किया जा रहा है, मीन्स उसका सह चयन किया जा रहा है, अर्थात एक तरह से उन्हें एडमिट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है उस मीटिंग में, उन्हें इलेक्ट या सेलेक्ट किया जा रहा है, मीन्स चुना जा रहा है, दिस इज को ऑप्ट। एक्सर्बेट मीन्स किसी स्थिति को जब आप और व्हाट एडवर्स कर देते हैं, उसे और अधिक एग्रीगेट कर देते हैं, एग्रीवेट कर देते हैं, सॉरी मीन्स बेकार कर देते हैं, तो आप एक्सर्बेट कर देते हैं, मीन्स बिगाड़ देते हैं, किसी को जब आप बहुत अधिक चिढ़ा देते हैं, किसी को खिजा देते हैं, कोई कार्य बिगाड़ देते हैं, तो आप एक्सर्बेट करते हैं, ठीक है, अर्थात आप एग्रीवेट कर गए, आपने मेक या काम हटा दीजिए, मेक वर्स कर गए उसे, और खराब कर दिया आपने, वर्षन कर दिया, बदतर कर दिया, इनफ्लेम कर दिया, और खराब कर दिया, तो एक्सर्बेट बिगाड़ देना, खराब कर देना और बेकार कर देना। और ये आपके सामने है एडिटोरियल जिसका आपको इंतजार रहा होगा, हेडिंग है आप देख रहे होंगे, प्रॉफिट नॉट प्रॉफिटेरिंग ऑन रेगुलेशन ऑफ कोविड 19 टेस्टिंग चार्जेस, प्रॉफिट यानी लाभ लीजिए, मुनाफा लीजिए, नॉट प्रॉफिटेयरिंग लेकिन मुनाफा खोरी मत करिए, यानी ऐसा कार्य नहीं करिए कि आप गलत तरीके से पैसे कमाने की प्रवृत्ति शो करने लगे हो, तो प्रॉफिट सही है आपका, नॉट प्रॉफिटेयरिंग लेकिन आपकी मुनाफा खोरी आपकी सही नहीं है। आन ये ट्रल किस पर, आन रेगुलेशन याद है, रेगुलेशन नियम कानून, अनरेगुलेशन ऑफ कोविड 19 टेस्टिंग चार्जेस,
यानी जो कोविड 19 है उसके जो टेस्टिंग चार्जेस हैं, यहाँ चार्जेस मीन्स जो दाम लिए जा रहे हैं, मीन्स शुल्क लिए जा रहे हैं, यानी जो टेस्टिंग चार्जेस हैं कोविड 19 के लिए, उस पर जो नियम बनाया गया, रेगुलेशन बनाया गया, उसी पर आपका ये एडिटोरियल है, ठीक है। स्टेट्स हैव डन वेल, देखिए एक्टिव वॉइस में ये आपका एक्शन वर्ब है, तो फिर यहां क्या लिया गया, वेल लिया गया। ये वेल यहां क्या होगा, एडवर्ब के रूप में होगा। स्टेट्स हैव डन वेल यानी राज्यों ने अच्छी तरीके से कार्य किया है। टू स्टेप इन, स्टेप इन मीन्स इन्वॉल्व होना, किसी चीज में दखल देना, शामिल होना, उसमें हाथ डालना। टू स्टेप इन टू रेगुलेट चार्जेस फॉर कोविड 19 केयर इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। पहले वर्ड्स देख लेते हैं बच्चों। स्टेट्स यहां क्या हो जाएगा, नाउन सब्जेक्ट के रूप में, तो हैव डन में हैव हेल्पिंग वर्ब, और डन क्या हो जाएगी, मेन वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वेल क्या हो जाएगा, यहां एडवर्ब हो जाएगा। टू स्टेप इन, ये टू यहां क्या है, इन्फिनेटिव। स्टेप इन क्या है, फ्रेजल वर्ब के रूप में है। टू रेगुलेट क्या है, इन्फिनेटिव, जिसमें टू इन्फिनेटिव टू है और रेगुलेट आपकी वर्ब है, किसी चीज के लिए नियम बनाना, कानून बनाना। चार्जेस यहां नियंत्रित करने के सेंस में रेगुलेट है, चार्जेस मैंने कहा यहां पे शुल्क, दाम किसी चीज का। फार यहां ये चार्जेस है क्या, यहां पे नाउन के रूप में है। फार क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। कोविड 19 केयर क्या हो गया आपका, नाउन फ्रेज हो जाएगा पूरा नाउन के रूप में। इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स क्या है यहां पे, नाउन, तो प्राइवेट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेट्स हैव डन वेल यानी राज्यों ने अच्छा कार्य किया है। टू स्टेप इन यानी दखल दे करके, इन्वॉल्व होकर के, किसमें, टू रेगुलेट चार्जेस यानी जो दाम है, जो शुल्क लिए जा रहे हैं, चार्जेस लिए जा रहे हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए। इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है, नानी ने, यानी चार्जेस को नियंत्रित करने के लिए राज्यों ने जो स्टेप इन किया है, अर्थात उसमें शामिल हुए हैं वो राज्यों ने, ये कैसा कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है। फॉर किस चीज के चार्जेस के लिए, फॉर कोविड 19 केयर, यानी कोविड 19 के लिए जो केयर किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, कहां, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, यानी उल्टा बोले, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कोविड 19 के लिए केयर किया जा रहा है, उसके लिए जो चार्ज लिए जा रहे हैं, उन चार्जेस को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो राज्यों ने स्टेप इन किया है, उसमें दखल दिया है, कहीं ना कहीं उन राज्यों ने क्या किया है, अच्छा कार्य किया है, ठीक है। बच्चों इसकी टोन है कंप्लेनिंग, अर्थात कहीं कहीं शिकायती टोन है, जिसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी शिकायत की जा रही कि वो उन लोगों से भी पैसे ज्यादा ऐंठ रहे हैं जो लोग देने में सक्षम नहीं। आप ऐसे सोचिए बच्चों, 14 डेज अगर वो अपने यहां रख रहे हैं, तो उन 14 डेज के ज्यादातर हॉस्पिटल्स करीब 7 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। सोच के देखें कहां का न्याय है बच्चों। तो इसी पर ये एडिटोरियल है जिसमें आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि तीन राज्य ऐसे हैं, तीन राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, जिन राज्यों ने एक पहल की है कि अगर आप प्राइवेट किसी लैब में भी टेस्ट करा रहे हैं, टेस्टिंग करा रहे हैं, तो आपको उस लैब को केवल 3000 नहीं देना होगा, और अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आप भर्ती हो रहे हैं वहां पे, तो उसे उस प्राइवेट हॉस्पिटल को 4500 यानी 4500 से ज्यादा नहीं लेना होगा। ऐसा उन्होंने, इन राज्यों ने रेगुलेशन बनाया है, ठीक है, किन्होंने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने और तमिलनाडु ने, ठीक है। तो लिख कर आए, ये एक ऐसा स्टेप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को पहले लेनी चाहिए थी, जब उसने लैब के लिए एक सीमा निर्धारित की थी कि लैब में टेस्टिंग के लिए 4500 यानी 4500 लेने हैं। उसी समय यह भी कह देना चाहिए था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर कोई भर्ती हो रहा है, जो कि उस समय नहीं हो रहा था, अगर कोई भर्ती हो रहा है तो उसको ये फिक्स्ड अमाउंट लेना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, जिसके उस प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं मरीजों से मनमाना दाम वसूल कर रहे थे, उसी पर इन तीन राज्यों ने एक पहल की है और बाकी राज्य भी धीरे धीरे आगे आएंगे। अभी उत्तर प्रदेश इसमें नहीं आया बच्चों, ठीक है, देखते हैं। द रोल ऑफ द स्टेट,
समझ रहे होंगे बच्चों, द रोल यहां सब्जेक्ट है, द रोल ऑफ द स्टेट यानी राज्य की भूमिका एज अ बिग ब्रदर, एक बड़े भाई के रूप में, यानी एक बड़े भाई के रूप में जो राज्य की भूमिका होती है इज प्रॉब्लमैटिक। यहां प्रॉब्लमैटिक के दो अर्थ हो सकते हैं, एक अर्थ हो सकता है समस्यात्मक, समस्या से भरा हुआ एडजेक्टिव के रूप में, और दूसरा अर्थ हो सकता है एक ऐसा, मतलब कोई ऐसा जो कहीं कहीं संशय जिस पर हो, यानी जो संदिग्ध हो, जो कहीं कहीं सस्पेक्ट के रूप में हो, यानी एक बड़े भाई की भूमिका के रूप में जो राज्य की भूमिका, एक बड़े भाई के रूप में एक जो राज्य की भूमिका होती है वो भूमिका प्रॉब्लमैटिक होती है, कहीं कहीं संदिग्ध होती है, अर्थात उसके बारे में आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं कि उसे कैसे वो रोल अदा करना चाहिए। एंड येट और फिर भी वनली अ विजिलेंट, याद है ना, कोई सतर्क सावधान जो हर चीज को ध्यान से देखता हो, यानी वनली अ विजिलेंट, कोई सतर्क जस्ट यानी कोई न्यायपूर्ण स्टेट राज्य, यानी फिर भी कोई ऐसा राज्य जो विजिलेंट है, जो न्यायपूर्ण है, ऐसा राज्य कैन टेम्पर, टेम्पर मीन्स दो होता है बच्चों, एक नाउन के रूप में टेम्पर मीन्स क्या होता है, स्वभाव होता है ना, और एक वर्ब के रूप में टेम्पर मीन्स कम कर देना, धीमा कर देना, किसी चीज को शांत कर देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा टी ए एम होता है अगर टेम्पर, टेम्पर मीन्स छेड़छाड़ करना होता है, जो गेंद वगैरह से छेड़छाड़ होती है वो टेम्परिंग कहलाती है, वो टी ए होती है, ये टी ई है, टेम्पर वर्ब के रूप में कम करना, धीमा करना, शांत करना, और नाउन के रूप में स्वभाव। फिर देख लें, यानी एक बड़े भाई के रूप में जो राज्य की भूमिका होती है वो प्रॉब्लमैटिक है, यानी वो समस्यात्मक हो सकती, संदिग्ध हो सकती है, एंड और येट फिर भी वनली अ विजिलेंट, केवल एक सतर्क और न्यायपूर्ण जो राज्य है कैन टेम्पर, वही कम कर सकता है, किस चीज को, द अवेरसियस एक्सेसेस, यानी जो लालच से भरे हुए, अवेरसियस मीन्स लालची, जो लालच से भरे हुए एक्सेसेस होते हैं, अति होते हैं इन द सोसाइटी, किसमें, समाज में, इट गवर्न्स, वो समाज, इट गवर्न जिस पर वो राज्य क्या करता है, शासन करता है, वो राज्य ही ऐसे अवेरसियस एक्सेसेस को टेम्पर कर सकता है, मीन्स क्या कर सकता है, कम कर सकता है, अर्थात लालच की जो अति होती है उसे वो राज्य ही कम कर सकता है, कौन सा राज्य, जो जस्ट हो, न्यायपूर्ण हो, कौन सा राज्य, जो विजिलेंट हो, और ये कहां कम कर सकता है, उस समाज में, इट गवर्न्स, जिस समाज पर ये क्या करता है, शासन करता है। द मूव, याद हो गया होगा, कदम, जैसे मूव के पहले आपने द देखा, तुरंत समझ जाए नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, द मूव यानी वो कदम बाई सर्टेन स्टेट्स, किसके द्वारा, कुछ विशेष राज्यों के द्वारा, यानी कुछ विशेष राज्यों के द्वारा जो कदम है, कौन सा कदम, टू रेगुलेट हॉस्पिटल फीस चार्ज्ड, यानी किस चीज को नियंत्रित करने के लिए, हॉस्पिटल फीस, यानी हॉस्पिटल की फीस को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशेष राज्यों के द्वारा उठाया गया जो कदम है, ठीक है, कौन सी फीस बच्चों, चार्ज्ड, जो फीस ली जाती है इन द प्राइवेट सेक्टर, कहां पर, निजी क्षेत्र में, फॉर कोविड 19 केयर, किस नाम पर, कोविड 19 के लिए केयर करने के नाम पर, वो मूव, राज्य का वो मूव फॉल्स स्क्वायर, अर्थात बिल्कुल सही है इन दिस कैटेगरी, इस श्रेणी में, फॉल स्क्वायर मीन्स सही होना, किसी विवाद को निपटा देना, उसे सही कर देना, ये लाइन फिर देख लें बच्चों, आप करें, वो कदम, कौन सा कदम, बाय सर्टेन स्टेट्स, जो कुछ विशेष राज्यों के द्वारा उठाया गया हो, किस लिए, टू रेगुलेट हॉस्पिटल फीस, अर्थात हॉस्पिटल फीस को नियंत्रित करने के लिए, कौन सी हॉस्पिटल फीस, चार्ज्ड इन द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट निजी क्षेत्र में जो फीस ली जाती, चार्ज की जाती है, किस लिए ली जाती है, फॉर कोविड 19 केयर, यानी कोविड 19 के केयर के नाम पर ली जाती है, राज्य का ऐसा कदम, यानी नियंत्रित करने का, उस हॉस्पिटल की फीस को नियंत्रित करने का राज्य का ये जो कदम है, फाल्स, देखिए मूव सिंगुलर था ना, फाल्स स्क्वायर, बिल्कुल सही बैठता है इन दिस कैटेगरी, इस श्रेणी में, ठीक है।
bombarded with reports about exorbitant bills, यानी अत्यधिक बिल के बारे में bombarded with reports, जब बहुत सारी रिपोर्ट्स की भरमार हो गई, अर्थात बहुत सारी रिपोर्ट्स उन्हें प्राप्त होने लगी, मिलने लगी, किसके बारे में? एग्जॉर्बिटेंट बिल्स, बहुत अधिक बिल्स को लेकर के, बीइंग रेज्ड, जो बिल्स दी जा रही थी इन द प्राइवेट सेक्टर, कहां? निजी क्षेत्र में, फॉर हॉस्पिटल केयर ऑफ पर्संस, अर्थात उन लोगों के हॉस्पिटल केयर के नाम पर हु टेस्टेड पॉजिटिव, जो पॉजिटिव टेस्ट हो रहे थे फॉर कोविड 19, किसके लिए? कोविड 19 के लिए, उल्टा बोले बच्चों, यानी कोविड 19 के लिए जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हो जा रहे थे, अर्थात पॉजिटिव निकल जा रहे थे, ऐसे लोगों के हॉस्पिटल केयर के लिए, यानी हॉस्पिटल में उनके केयर के लिए जो निजी क्षेत्र था, बीइंग रेज्ड एग्जॉर्बिटेंट बिल्स, बहुत अधिक क्या दे रहा था उन्हें? अत्यधिक बिल थमा रहा था, इसके बारे में बहम्बर्ड विद रिपोर्ट्स राज्यों को बहुत सारी क्या मिल रही थी? सूचनाएं मिल रही थी। तो हुआ क्या? अ फ्यू स्टेट्स, ऐसी अवस्था में अ फ्यू स्टेट्स, कुछ राज्यों ने डिसाइडेड, निर्णय किया टू गेट इन्वॉल्वड, कि वो इस मसले में, इस मामले में शामिल हों, दखल दें, राइटली सो, और ये सही भी है, एंड और सेट अ कैप, याद है कैप बच्चों? सीमित करना, नियंत्रित करना, एंड सेट अ कैप, और एक सीमा निर्धारित कर दें ऑन द टैरिफ, उस शुल्क पर दैट कैन बी चार्ज्ड, जो शुल्क पैसिव वाइज है, जो शुल्क लिया जा सकता हो बाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स, किसके द्वारा? निजी अस्पतालों के द्वारा, यानी निजी अस्पतालों के द्वारा जो चार्ज लिया जा सकता हो वो चार्ज क्या कर दिया जाए? सेट अ कैप, उसे सीमित कर दिया जाए कि यहीं तक आप चार्ज ले सकते हैं। ऐसा कुछ राज्यों ने सोचा और इस मामले में डिसाइडेड टू गेट इन्वॉल्व्ड, क्या होने की कोशिश की? इसमें दखल देने की कोशिश की। इन सम इंस्टांसेस, इंस्टांसेस याद है, उदाहरण, कुछ उदाहरणों में द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो IMA है, अर्थात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, आल्सो प्रेड, उसने भी क्या की थी? प्रार्थना की थी, किस लिए? फॉर इंटरवेंशन, कि क्या दिया जाए? दखल दिया जाए, हस्तक्षेप किया जाए बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, किस लिए? टू रेगुलेट दिस, इसे रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, यानी एक तरह से अच्छाई थी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सरकार के द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने के लिए प्रेड क्या किया था? प्रार्थना की थी। ऐसे भी क्या है, कुछ उदाहरण है। महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट, यानी फर्स्ट स्टेट, यही सेंस है ना, महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट, महाराष्ट्र वो पहला राज्य था टू फिक्स अ टैरिफ, जिसने एक शुल्क तय कर दिया, फॉलोड बाय गुजरात, और उसके बाद कौन, फिर किसने तय किया? गुजरात ने तय किया, एंड तमिलनाडु, और उसके बाद फिर तमिलनाडु ने भी क्या किया? शुल्क तय कर दिया, फिक्स कर दिया। थ्री ऑफ द स्टेट्स, और ये तीन कौन से राज्य हैं? तीन यानी सभी राज्यों में से तीन वो राज्य हैं सीइंग अ हाई नंबर ऑफ कोविड 19 इंफेक्शन, समझ सकते हैं, ये तीन वो राज्य हैं जहां पे कोविड 19 के इंफेक्शन जो हैं हाई नंबर, बहुत बड़ी संख्या में हैं। फॉर द इनिशियल पार्ट ऑफ द एपिडेमिक, याद है ना, एपिडेमिक मीन्स महामारी, पैंडेमिक, यानी इस महामारी के इनिशियल पार्ट के लिए, यानी शुरुआती भाग के लिए, यानी ये जो एपिडेमिक है, महामारी है, इसके शुरुआती भाग के लिए इट वाज द स्टेट, यह राज्य था। देखिए बच्चों, यहां स्टेट होता चाहे स्टेट्स होता, कुछ भी, यहां पे इट के साथ क्या आता? वाज ही आता, ठीक है। करें इट वाज द स्टेट, यानी शुरुआती अवस्था में, एपिडेमिक की शुरुआती अवस्था में क्या हुआ? इट वाज द स्टेट, यह राज्य ही था, दैट वाज द प्राइमरी टेस्टिंग एजेंट, जो प्राइमरी यानी सबसे प्राथमिक टेस्टिंग एजेंट था,
यानी राज्य ही था जहां सबसे पहले क्या होती थी, टेस्टिंग होती थी एंड केयर गिवर, और ये राज्य ही था जो केयर गिवर था, अर्थात लोगों का क्या रखता था, ध्यान रखता था फॉर ऑल कोविड 19 केसेस, किसके लिए, कोविड 19 के सभी केसेस के लिए। एट दैट स्टेज, उस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, ये इनिशियल पार्ट, शुरुआती अवस्था में, यानी उस अवस्था में क्या हुआ, फ्यू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, फ्यू जब लगा है तो न के बराबर हो जाएगा, अ फ्यू लगा होता है तो कुछ हो जाता है, ठीक है, फ्यू के बाद हो चाहे अ फ्यू के बाद हो, इनके बाद हमेशा प्लूरल लीजिएगा, और लिटिल और अ लिटिल के बाद हमेशा सिंगुलर लीजिएगा, ठीक है, काम आएगा बच्चों। करे एट दैट स्टेज, उस अवस्था में फ्यू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, देखिए प्लूरल है ना, न के बराबर ऐसे निजी अस्पताल थे, इफ एनी, यदि थे भी कोई तो न के बराबर थे, वर इन द फ्रंट लाइन ऑफ द बैटल, यानी इस लड़ाई कोरोना वायरस के खिलाफ जो बैटल है, इस लड़ाई में फ्रंट लाइन में न के बराबर राज्य थे, अर्थात सारे कौन थे, देखिए, ऑल टेस्ट वर इनिशियली डन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि सारे जो टेस्ट होते थे शुरुआत में, इनिशियली शुरू में, वर डन बाय पैसिव वैश्न, वर डन बाय, वो सारे इनिशियली टेस्ट जो किए जाते थे बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा किए जाते थे, राज्य, अरे सरकार के द्वारा किए जाते थे, एंड एनीवन, और कोई भी ऐसा व्यक्ति, हु, ये हु क्या है, यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और कोई भी ऐसा जो टेस्टेड पॉजिटिव, यानी जिसके अंदर कोरोना के लक्षण निकल आते थे, वाज शिफ्टेड, उसे भेज दिया जाता था टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहां, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए फॉर आइसोलेशन, जहां पर उसे आइसोलेशन में डाल दिया जाता था एंड ट्रीटमेंट, और क्या किया जाता था वहां पे, उसका इलाज किया जाता था। उस समय शुरुआती अवस्था में फ्यू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, न के बराबर ऐसे अस्पताल थे, वर इन द फ्रंट लाइन ऑफ द बैटल, जो इस लड़ाई में फ्रंट लाइन पर थे, अर्थात वो थे ही नहीं, सारा काम धाम किसका था, सरकारी अस्पतालों का था, राज्य सरकार का था। हाउ एवर, जो भी हो, एज द नंबर ऑफ केसेस, जब भी द नंबर हो तो वर्ब का ध्यान रखिएगा, यहां तो पास्ट है, लेकिन द नंबर हमेशा सिंगुलर लेता है बच्चों, नाउन प्लूरल ही रहेगा, लेकिन वर्ब अगर सिंगुलर प्लूरल देखनी हो तो हमेशा सिंगुलर रहेगा। हाउ एवर, जो भी हो, ये क्या यहां पे होता है बच्चों, ये एक कंजंक्शन की तरह काम करता है, जो भी हो, एज, जैसे जैसे द नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज्ड, जैसे जैसे जो केसेस का नंबर था, उनकी संख्या थी, इंक्रीज्ड, बढ़ती गई, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, कॉलिंग ऑल हैंड्स टू द डेक मीन्ट, कॉलिंग ऑल हैंड्स टू द डेक मीन्स क्या होता है, सभी लोगों को मदद के लिए आवाहन करना, यानी सभी लोगों को कहना कि अब आप इसमें भागीदारी करें, मदद करें, यानी जैसे जैसे केसेस की संख्या बढ़ती गई तो स्वाभाविक रूप से क्या हुआ, कॉलिंग ऑल हैंड्स टू द डेक, यानी सभी लोगों को मदद के लिए बुलाया गया, उनका आवाहन किया गया, मेंट, और इससे इसका अर्थ क्या निकला कि द सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट, एक महत्वपूर्ण रूप से शामिल हो गए, कहीं कहीं संलिप्तता हो गई ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, किसकी, निजी क्षेत्र के भी, यानी जब सरकार ने कहा कि ऑल हैंड्स टू द डेक, यानी सभी लोग इसमें अपना सहयोग करें, मदद करें, तो फिर प्राइवेट सेक्टर भी इसमें क्या हो गया, सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट हुआ, महत्वपूर्ण रूप से उसकी भागीदारी हो गई, अर्थात वो भी इसमें शामिल हो गया इस लड़ाई में। कंप्लेंट्स ऑफ ओवरचार्जिंग फॉलोड, और जैसे ही शामिल हुआ ये प्राइवेट सेक्टर, अर्थात प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह, कंप्लेंट्स ऑफ ओवरचार्जिंग, वैसे ही जरूरत से ज्यादा चार्ज लेने की शिकायतें फॉलोड, आगे क्या होने लगी, आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स रिवील्ड, रिवील क्या होता है, किसी सच्चाई को उजागर करना, ठीक है, कॉन्सील क्या होता है, जैसे ये वर्ड है ना बच्चों, जान ले आप, कॉन्सील, CONCEAL, कॉन्सील किसी चीज को छिपाना, तो रिवील उस चीज को उजागर कर देना। करें कि मीडिया रिपोर्ट्स रिवील्ड डिफरेंशियल रेट्स, यानी मीडिया रिपोर्ट्स ने ये उजागर किया, क्या,
कि डिफरेंशियल रेट्स, डिफरेंशियल एडजेक्टिव है, रेट्स नाउन है, कि डिफरेंशियल रेट्स हैं, अलग अलग रेट्स यानी दाम लगाए जा रहे हैं, अर्थात कीमत ली जा रही है अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री याद है ना, पूरे देश भर में। बट लेकिन कॉस्ट्स वर अपवार्ड्स ऑफ 7 लाख, अपवार्ड्स एडवर्ब के रूप में ऊपर, यहां वैसे आप कह सकते हैं कि वट अपवार्ड्स ऊपर की तरफ एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, बट अपवार्ड्स अगर उसके बाद कोई नाउन मिल जाए तो एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। बट कॉस्ट वर अपवार्ड्स यानी जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी, ऑफ 7 लाख, 7 लाख रुपए थी फॉर अ मिनिमम 14-day पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। यदि आप 14 दिन का पीरियड लेते हैं, समय लेते हैं हॉस्पिटलाइजेशन में, हॉस्पिटल में यदि 14 दिन आप कम से कम भर्ती होते हैं तो आप करीब 7 लाख रुपए से अपवार्ड्स उससे ज्यादा कॉस्ट वर यानी क्या देनी होती है उसकी, आपको कीमत देनी होती है इवन फॉर माइल्डली सिम्टोमैटिक। किसके लिए भी? उन लोगों के लिए भी माइल्डली सिम्टोमैटिक, जिनके अंदर हल्के लक्षण हैं, आर असिम्टोमैटिक पेशेंट्स या ऐसे पेशेंट्स जो असिम्टोमैटिक हैं, यानी जो कहीं कहीं बीमार तो हैं लेकिन असिम्टोमैटिक, उनके लक्षण पता नहीं चल रहे, ऐसे लोगों से भी 7 लाख रुपए से ज्यादा 14 दिन की क्या ली गई, चार्ज लिए गए। इफ यदि इंटेंसिव केयर यूनिट केयर इज वारंटेड, यानी इफ इंटेंसिव केयर यूनिट केयर इज वारंटेड, यदि उन्हें आईसीयू के केयर यानी आईसीयू में ध्यान रखने की इज वारंटेड जरूरत पड़ जाती है तो देन द रेट्स वुड बी मच हायर। तो ये रेट्स और अधिक क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी 14 दिन में अगर वो आईसीयू में भी रखे जाते हैं, पेशेंट्स को रखते हैं, तो फिर वो जो रेट्स उनके हैं वुड बी मच हायर, वो और अधिक क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। द स्टेट्स इंटरवेंशन, बच्चों वर्ड्स पे आप ज्यादा मेहनत किया करें, ठीक है, ज्यादा ध्यान दिया करें। इंटरवेंशन दखल, हस्तक्षेप, इंटरवीन दखल देना। और जैसे द स्टेट्स आपने देखा ना पॉजेसिव केस, तुरंत समझ जाए इसके बाद हर हाल में नाउन या नाउन फ्रेज रहेगा। करें द स्टेट्स इंटरवेंशन यानी राज्य का दखल कुड नॉट हैव बीन डिलेड, यानी क्या नहीं होना चाहिए था इसको, इतना देर से नहीं होना चाहिए था, एनी फर्दर, इतना आगे, यानी राज्य का जो इंटरवेंशन है, दखल है, हस्तक्षेप है, कुड नॉट हैव बीन डिलेड एनी फर्दर, अब उसे और अधिक देरी नहीं की जा सकती थी। इनफैक्ट वास्तव में इन रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट पुनरावलोकन, यानी यदि हम पुनरावलोकन करें, पुरानी चीजों को देखें, उन चीजों का आकलन करें, तो क्या पाएंगे कि द स्ट्रेटजी जो रणनीति है इंप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी रणनीति जो केंद्र सरकार ने इंप्लाय किया था यानी केंद्र सरकार ने अपनाई थी, वो रणनीति कौन सी रणनीति, टू कैप द प्राइस ऑफ टेस्ट फॉर COVID-19, कि वो कैप कर दे, सीमित कर दे, नियंत्रित कर दे द प्राइस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के प्राइस को फॉर COVID-19 के लिए, ठीक है, एट 4,500 इन प्राइवेट लैब्स, याद है ना, यानी प्राइवेट लैब में अगर आप चेक कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो सरकार ने तय किया था, कैप कर दिया था कि जो प्राइवेट लैब्स होंगे वो COVID-19 के कितना लेंगे, 4500 रुपए लेंगे। वो स्ट्रेटजी यानी वो जो रणनीति थी सरकार की कुड हैव बीन यूज्ड, वो उपयोग की जा सकती थी टू रेगुलेट प्राइवेट हॉस्पिटल चार्जेस टू, यानी केवल प्राइवेट लैब्स के लिए नहीं होना चाहिए था, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो चार्जेस हैं, जो वो कीमत ले रहे थे उसके लिए भी, उसे नियंत्रित करने के लिए भी कुड हैव बीन यूज्ड, उसका उपयोग किया जा सकता था, किसका, उस स्ट्रेटजी का, उस रणनीति का। हॉस्पिटल्स हैव बीन ग्रेडेड इनटू कैटेगरीज, यानी जो हॉस्पिटल्स हैं अब उन्हें ग्रेड कर दिया गया, उनका एक लेवल बना दिया गया कि आप इस कैटेगरीज में रहेंगे, इस श्रेणी में रहेंगे आप, डिपेंडिंग ऑन, देखिए यहां पे है ना, डिपेंडिंग ऑन, जो इस चीज पर निर्भर करेगा
कि फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, कि आप किस प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब प्रदान कर रहे हैं, विद रीजनेबल रेट्स, और आपको सही रेट लगाने होंगे फिक्स्ड पर डे फॉर ईच कैटेगरी, यानी हर एक कैटेगरी के लिए प्रतिदिन का आपको जो रेट्स है रीजनेबल रेट्स वो फिक्स रखना होगा, अर्थात सीमित यानी तय करना होगा कि आप किस प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी पर डिपेंडिंग ऑन, उसी पर आधारित आपको रीजनेबल रेट्स क्या करने होंगे पर डे के हिसाब से आपको फिक्स करने होंगे। आईसीयू रेट्स जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, इसके जो रेट्स हैं आर नेचुरली हायर, वो जनरली क्या होते हैं नेचुरली, वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा होते हैं। एंड और स्टेट्स हैव स्पेसिफाइड, और राज्यों ने हैव स्पेसिफाइड, इस चीज को कहीं कहीं इंगित किया, इसका संकेत किया है दैट की प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कि जो निजी अस्पताल हैं शुड फॉलो द टैरिफ फॉर बेड्स, अर्थात जो बेड के लिए टैरिफ है शुल्क है उसको वो फॉलो करें, अर्थात उसका अनुसरण करें, आर या अन्यथा दे कुड बी चार्ज्ड फॉर वायलेशंस, वायलेशंस उल्लंघन, या फिर उनको उल्लंघन करने के कारण कुड बी चार्ज्ड, उन पर क्या किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। अदरवाइज जो फिक्स्ड रेट है उसी पर उन हॉस्पिटल्स को शुड फॉलो द टैरिफ, क्या लेना चाहिए, अपना शुल्क लेना चाहिए। मेकिंग इट अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सबकी क्या हो, पार्टिसिपेशन हो, अर्थात सब लोग क्या हो, पार्टिसिपेटर्स हो, अर्थात सबकी क्या हो, भागीदारी हो, ठीक है। मेकिंग इट अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, यानी सरकार ने इसको क्या बनाया, एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया बनाई है कि इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, ऐसा करके द प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो कोऑप्टेड, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर था उसे भी चुना गया इनटू डिस्कशंस, कि आप भी बहस में चर्चा में शामिल हो ऑन टैरिफ, जो चर्चा किसके ऊपर होनी थी, टैरिफ के ऊपर। ध्यान रखें बच्चों, देखिए डिस्कशंस के साथ ऑन है लेकिन डिस्कस के साथ ऑन या अबाउट न लीजिएगा, यानी उन प्राइवेट सेक्टर से भी कहा गया कि आप भी क्या हो जाए, आपका भी चयन किया जाता है कि आप भी उन डिस्कशंस में शामिल हो जो डिस्कशंस किनके ऊपर है, शुल्क के ऊपर है। तमिलनाडु हैज आल्सो फिक्स्ड, तमिलनाडु ने भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है अ सेपरेट टैरिफ, एक अलग से शुल्क फॉर बेनिफिशरीज, उन लाभार्थियों के लिए अंडर द चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, समझ सकते हैं, अर्थात मुख्यमंत्री की जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसके जो लाभार्थी हैं उनके लिए भी एक सेपरेट शुल्क टैरिफ क्या कर दिया है तमिलनाडु ने, फिक्स कर दिया गया है, वो स्कीम नाउ सब्ज्यूम्ड अंडर द सेंट्रल इंश्योरेंस स्कीम, वो स्कीम जिसे अब सेंट्रल इंश्योरेंस स्कीम में सब्ज्यूम कर लिया गया है, मीन्स उसमें शामिल कर लिया गया है। मेकिंग इट इजी, और इस तरीके से तमिलनाडु ने आसान बना दिया है फॉर पेशेंट्स, उन रोगियों के लिए फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप्स, जो रोगी कैसे हैं, जो निम्न आय समूह से बिलोंग करते हैं, टू एक्सेस प्राइवेट केयर ट्रीटमेंट्स, ताकि वो लोग भी प्राइवेट केयर ट्रीटमेंट्स ले सकें, इलाज करवा सकें प्राइवेट केयर ट्रीटमेंट्स के तहत फॉर COVID-19, किसके लिए, COVID-19 के लिए, ठीक है, आसान है बच्चों, समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत हो मेरे जरूर शेयर किया करें आप। लास्ट पैसेज देख लें आप, करें इट हैज आल्सो रीफिक्स, इट किसके लिए है, तमिलनाडु के लिए, इट हैज आल्सो रीफिक्स्ड द रेट फॉर टेस्टिंग इन अ प्राइवेट लैब एट 3000 पर टेस्ट, समझ सकते हैं, नहीं तमिलनाडु ने क्या किया, फिर से फिक्स कर दिया, फिर से तय कर दिया है द रेट, वो रेट फॉर टेस्टिंग इन अ प्राइवेट लैब, यानी अगर आप प्राइवेट लैब में टेस्टिंग कराते हैं तो उसका उसने फिर से तय कर दिया है कि वो प्राइवेट लैब वाला कितना ले सकता है, 3000 रुपए केवल ले सकता है पर टेस्ट, प्रति टेस्ट के हिसाब से। फर्दर
वॉचफुलनेस शुड कंटिन्यू, इसके आगे क्या होना चाहिए, वॉचफुलनेस निगरानी जो है, सतर्कता जो है शुड कंटिन्यू, क्या रहनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, किसकी तरफ से, राज्य की तरफ से, बट लेकिन शहर ऑफ हाई हैंडेडनेस, हाई हैंडेडनेस क्या होता है बच्चों, अत्याचार, जब आप किसी को सताते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, मनमानापन करते हैं, तो हाई हैंडेडनेस होता है, यानी ठीक है कि आप उन प्राइवेट सेक्टर पर वॉचफुल रहें, उनकी निगरानी करें, और ये निगरानी कंटिन्यू रहनी चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, राज्य की तरफ से, लेकिन शॉर्न ऑफ हाई हैंडेडनेस, लेकिन उस प्राइवेट सेक्टर पर आप मनमानापन न करें, उस मनमानेपन से, उस अत्याचार से क्या रहें, मुक्त रहें, अर्थात उन पर किसी प्रकार का दबाव, मनमानापन न अपनाया जाए। स्टेइंग अलाइव टू द हार्डशिप्स ऑफ इट्स पीपल, स्टेइंग अलाइव यानी जब आप ध्यान दे रहे हो, अर्थात उनके प्रति सजीव हो, उनको ध्यान से देख रहे हो, अर्थात अपनी दिल की विशालता, उसका बड़प्पन दिखाते हो, स्टेइंग अलाइव टू द हार्डशिप्स ऑफ इट्स पीपल, यानी अपने राज्य के लोगों की कठिनाइयों के प्रति सजग होकर के, उन पर ध्यान दे करके, इट मतलब राज्य, इट मस्ट इंश्योर, इसे निश्चित ही सुनिश्चित कर देना चाहिए दैट कि द हार्श टाइम्स आर नॉट फर्दर एग्जेसरबेटेड बाई प्रॉफिटरिंग, कि हार्श टाइम जो ऑलरेडी बुरा समय है, कठिन समय है, वो हार्श टाइम्स आर नॉट फर्दर एग्जेसरबेटेड, वो बुरा समय और अधिक बुरा न हो जाए, और अधिक खराब न हो जाए बाई प्रॉफिटरिंग, किसके कारण, मुनाफाखोरी के कारण, इस चीज को इट मस्ट इंश्योर, एक राज्य को क्या करना चाहिए, सुनिश्चित कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, प्रॉफिटियरिंग समझते होंगे यहां जीरेंट के रूप में, यानी सब्जेक्ट के रूप में है, मुनाफाखोरी ठीक है, विजिलेंट एडजेक्टिव के रूप में है, जो सतर्क है, सजग है, सावधान है, फॉल स्क्वायर यानी कोई चीज सही होना, मीन्स उसे जस्टिफाई करना, उस विवाद से छुटकारा दे देना, ये वर्ब प्लस नाउन के रूप में है, इंटरवेंशन नाउन है आपका, मीन्स दखल, हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट किसी चीज में आपके संलिप्त होने का कार्य, शामिल होने का कार्य, नाउन के रूप में है, माइल्डली एडवर्ब है यहां पे, कम तौर पर, हल्के तौर पर, स्ट्रेटजी नाउन है आपकी रणनीति, आपके कार्य करने की प्लानिंग आपकी, वायलेशंस जब आप किसी चीज को डिसओबे करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, मीन्स उल्लंघन करते हैं, नाउन के रूप में, वॉचफुलनेस नेस नाउन है यानी सजगता, वट सतर्कता, इंश्योर वर्ब है सुनिश्चित कर देना, रेगुलेशन नाउन है कोई नियम, कोई कानून, जस्ट कई होता है यहां पर न्यायपूर्ण के रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में, बामबर्ड यानी यहां पे एक तरह से पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है, अर्थात जब किसी चीज के बौछार हो जाए, वो बौछार प्रश्नों की हो सकती है, वो बौछार आलोचना की हो सकती है, वो बौछार गोले बारूद की हो सकती है, इन्फेक्शन नाउन है आपका आई वेनस, ओवरचार्जिंग जीरण के रूप में जरूरत से ज्यादा किसी चीज की कीमत लेना, दाम लगाना, सिम्टोमैटिक एडजेक्टिव है अर्थात जिसके अंदर थोड़े बहुत लक्षण हो, इम्प्लाय किसी चीज को अपनाना, किसी चीज पर लागू करना, लगाने के सेंस में भी यूज करते हैं आप, पार्टिसिपेटरी एडजेक्टिव है यानी यहां पे भागीदारी से संबंधित है, शॉर्न पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव के रूप में है, मुक्त बिल्कुल अलग, एग्जेसरबेटेड अगर वर्ब लेंगे तो भी, और पास्ट पार्टिसिपल रूप में एडजेक्टिव रूप में भी यूज कर सकते हैं, मीन्स जिस चीज को बहुत खराब कर दिया गया हो, चार्जेस नाउन है आपका मीन्स किसी चीज की कीमत यहां पर, टेम्पर यहां पे क्या है आपकी वर्ब है अर्थात शांत करना, कम करना, धीमा कर देना, एग्जॉर्बिटेंट एडजेक्टिव है मीन्स जरूरत से अधिक, एक्सेस किसी चीज का, इनिशियल जो शुरुआती लेवल होता है अर्थात प्रारंभिक एडजेक्टिव के रूप में, रिवील वर्ब है आपका किसी चीज को उजागर करना, असिम्टोमैटिक एडजेक्टिव है लक्षण हो लेकिन जो पता न चल रहे हो वो असिम्टोमैटिक है,
रीजनेबल एबल है रीजन में यानी एडजेक्टिव है सही तार्किक को, प्रोसेस नाउन है कोई प्रक्रिया, हाई हैंडेड मनमानापन अत्याचार जुल्म यानी क्या है आपका एक तरह से नाउन के रूप में हो जाएगा। सर यहां हाई हैंडेड मैंने लिखा है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इसमें नेस जोड़ देंगे तब ये हो जाएगा आपका नाउन के रूप में। कॉम्प्रिहेंसिव कोई एडजेक्टिव के रूप में, विस्तृत विशाल बड़ा बृहद। स्टेप इन फ्रेजल वर्ब है किसी चीज में दखल देना कदम बढ़ाना। अवेरसियस ओयूएस है एडजेक्टिव लालची ग्रीडी के सेंस में। कैप वर्ब के रूप में यहां पर है सीमित कर देना नियंत्रित करना रेगुलेट करना। एपिडेमिक यहां ये नाउन के रूप में है मीन्स महामारी। डिफरेंशियल एडजेक्टिव है अलग अलग भिन्न भिन्न। इंटेंसिव मीन्स एडजेक्टिव है गहन बहुत तेज। कैटेगरी नाउन है आपका ओआरवाई कैटेगरी श्रेणी को कहते हैं। को ऑप्ट सह चयन करना चुनना यानी ये क्या है वर्ब के रूप में है। हार्डशिप्स हार्डशिप्स कठिनाइयां शिप्स यानी नाउन के रूप में है। बिग ब्रदर नाउन बड़ा भाई अर्थात जो बड़े की भूमिका निभाता हो। रेगुलेट वर्ब है नियंत्रित करना। एक्सेसेस आपका वर्ब अरे नाउन के रूप में है जरूरत से ज्यादा। टैरिफ शुल्क नाउन के रूप में है। आइसोलेशन आइसोलेट करने का कार्य अलग थलग रखने का कार्य नाउन है। कॉल ऑल हैंड्स टू द डेक ये idiom है अर्थात सभी लोगों को कहना कि वो मदद के लिए आगे आए। रिट्रोस्पेक्ट एक मतलब वर्ब के रूप में पुरानी चीजों को याद करना देखना अवलोकन करना। स्पेसिफाई किसी चीज को विशिष्ट बना देना इशारा करना वर्ब के रूप में है। प्रॉब्लमेटिक यहां वर्ब अरे एडजेक्टिव के रूप में है कोई समस्यात्मक चीज हो या कोई ऐसी चीज जो संदिग्ध हो। गवर्न वर्ब है आपकी यानी नियंत्रित करना शासन करना। इंस्टांसेस नाउन है उदाहरण के सेंस में एग्जाम्पल्स के सेंस में। ट्रीटमेंट नाउन है मेंट लगा है मीन्स यहां इलाज के सेंस में है। ओके ये सारे वर्ड्स है बच्चों ये असली पूंजी है किसी भी एडिटोरियल से आप क्या पा सकते हैं स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देखते जाएं और वर्ड्स पे खास मेहनत करें। आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे ना वर्ड्स अपने आप क्या हो जाएंगे आसान हो जाएंगे बच्चों ठीक है। हमेशा अपना ध्यान रखें खुश रहें आप और इसी तरह मेहनत करते रहें मुझे सपोर्ट करते रहें। कल फिर मिलते हैं 9 बजे आपसे ठीक है। हमेशा खुश रहें आप।